आज होने वाली है इस स्कूटर की टेस्ट राइड। बहुत ही क्लासी स्कूटर है, बहुत ही प्यारा सा स्कूटर है, आज इसकी करने वाले टेस्ट राइड। तो चलो टेस्ट राइड पे चलते हैं। की हमने इसकी ऑन कर दी है, ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस। वाओ, लग रहा है ना क्लासी स्कूटर। ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रेच है और ये है थोड़ी सी चढ़ाई वाली जगह, तो यहाँ से चलते हैं पहले स्पोर्ट्स मोड में। और काफ़ी कूल लग रहा है ये, इसकी जो रोड प्रेजेंस है ये देखिए, काफ़ी कूल लग रही है। बाकी ये जो LCD इसकी स्क्रीन है ना, ये मेरे को ऑसम सी लग रही है। स्पीड टेस्ट अभी करेंगे क्योंकि हम हैं अभी थोड़े से क्राउडी एरिया में, लेकिन जो लोकेशन है यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है। देखिए जो इम्प्रेशन है स्कूटर का वो कूल और क्या बोलूँ, फ्यूचरिस्टिक। इसकी अगर बैक प्रोफाइल की बात करें या फिर रेयर प्रोफाइल की बात करें तो जो स्कूटर है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सिटी राइड के लिए, जैसे कि मैं इसको स्पोर्ट्स में चला रहा हूँ तो ये थोड़े से झटके मार रहा है मुझे, लेकिन अगर मैं इसको इको मोड पर चलाता हूँ तो ये बिल्कुल स्मूथली चलेगा स्कूटर। ओके गाइस, यहाँ से देखने वाले हैं हमें स्पोर्ट्स मोड्स में 0 to 40, और ये 0 to 40, ओ भाई साहब क्या तो स्पीड है इसकी, OMG। और यहाँ से हम इसका जो इको मोड है, इको मोड में चेक करते हैं, तो इको मोड जो है ना वो गाइस इसका जो है सिटी वाला मोड है, ज़्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। लेकिन ये जो इसका स्पोर्ट्स मोड है वो आउटस्टैंडिंग है। अभी देखिए मैं चलते चलते एकदम से स्पोर्ट्स मोड पे कर देता हूँ और यहाँ से निकलूँगा। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओए होए 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 होए, तो ज़्यादातर जो कहानी है इस स्कूटर की वो ये है कि ये 200 किलोमीटर का माइलेज आपको दे देगा। 5 घंटे चार्ज होता है, 200 किलोमीटर का माइलेज आपको दे देगा। और इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रीमियम है। बाकी स्कूटर जो है 200 किलोमीटर की माइलेज देगा ये, और 5 घंटे चार्ज होगा, यानी कि चार्जिंग टाइम इसका 5 आवर्स है, और 200 किलोमीटर का जो है इसका रेंज है। तो अब क्या ही कहना कि इतना कूल स्कूटर कितना कूल और हो सकता है। अभी जब ये प्रोडक्शन मॉडल के अंदर आ जाएगा और जब हम इसका एक्चुअल वाला जो प्रोडक्शन मॉडल है वो देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये क्या क्या चीज़ें और कस्टमर्स को देगा। तो ये है बेसिकली जो कंपनी बना रही होती है, R&D कर रही होती है ना, ये वो वाला प्रोडक्ट है। तो ये वो वाले प्रोडक्ट के ऊपर मैं बैठ के आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहा हूँ कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है और कैसा है। काफ़ी कूल लगा मुझे तो चलाने में, और आप लोगों को भी देखने में काफ़ी कूल लगा होगा। प्रोडक्शन मॉडल में कंपनी बोल रही है कि अभी ये 200 किलोमीटर की बजाय इसको 230 या फिर 225 के आसपास जो इसकी रेंज है वो बढ़ाएगी, कंपनी ऐसा बोल रही है, दावा कर रही है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू बढ़ाते हैं या फिर वो बढ़ाते हैं इसकी बैटरी की टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो देखने वाली बात होने वाली है। और इसमें जो ये PCM टेक्नोलॉजी है ना, ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है। PCM मीन्स, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो वो फेस चेंज मटेरियल होता है, तो अपना फेस वो खुद चेंज कर लेता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अगले आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिक स्कूटर ये कार होने वाली है ना, वो फायर फ्री होने वाली है। तो ये फायर फ्री हो जाएंगी इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार्स, तब ज़्यादा मज़ा हमें आएगा। और आज की डेट में भी अगर हमें ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्कूटर मिल जाए जो कि जिसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है और जो कि दिखने में और चलने में भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पे लगाते हैं इसको साइड में गाइस, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो किस टाइप की लगेगी आपको। बेसिकली रोड प्रेजेंस में और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्कूटर तो बहुत सारे लोगों ने बनाए, लेकिन खूबसूरत इस टाइप के स्कूटर किसी ने नहीं बनाए। यहाँ पर कुछ मोड्स हैं इसके जो कि मेरे को चेक करके आपको दिखाने हैं, जैसे कि इसका इको मोड। तो अभी ये स्पोर्ट्स में है, मैं इसका मोड स्विच करता हूँ, ये इको मोड। इको मोड में देखते हैं कि ये कितनी स्पीड तक जा सकती है। तो यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, देखिए 20, 23, 25, मतलब इतनी ही स्पीड पे ये बस जा सकती है। अब इसका हम देखने वाले हैं एक बारी स्पोर्ट्स मोड, और ये जो 2.5 सेकेंड्स का ये जो 0 to 40 का जो इसका रेशो है ना, वो कमाल होने वाला है। 3, 2, 1 स्टार्ट करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड लग चुका है, यहाँ से भगाना शुरू करते हैं आगे तक, देखते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ये तो कम टाइम में 40 से भी ऊपर पहुँच गई। और ये हमारा 0 57 भाई साहब, अभी तो हमारे पास आगे रन नहीं है, वरना क्या तो मज़ा आने वाला था। रिवर्स का बटन है यहाँ पे, तो हम इसमें ब्रेक मारते हैं, ये वाला रिवर्स का बटन अगर इसको दबाएंगे तो हमें थ्रॉटल वॉटल देने की जरूरत नहीं है, स्कूटर जो है अपने आप ही पीछे जा रहा है।
काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर होने वाला है ये भी। दूर से ये स्कूटर कुछ इस टाइप का लगता है। ये है इसके DRL जो कि दो जलते हैं और इसकी जो हेडलाइट है वो ऑटो हेडलाइट है। अगर मैं इसको ऑटो पकड़ दूंगा तो ये ऑन हो जाती है, और अगर इसको मैनुअल पकड़ देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ से भी आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो इसकी एक बारी लाइट का थ्रो चेक करते हैं। बाकी ये जो है इसकी टेल लाइट है, कुछ डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन है यहाँ पे। और जो इसके ब्लिंकर्स हैं, अगर चारों ब्लिंकर्स खोल के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप के LED ब्लिंकर्स हैं, काफ़ी ब्राइट है। अब इसकी लाइट चेक करते हैं एक बारी। तो लाइट देखिए कुछ इस टाइप की है, आप इसको हाई लो कर सकते हैं, ये हाई है ये लो है, इस टाइप की इसकी परफॉर्मेंस है। क्योंकि अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा साइड हो गया आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए वहाँ पे, अगर आप देखें शटर पे, तो वहाँ पे ये अभी लो पे है, मैं इसको हाई करूँगा तो ये हाई हो जाएगी। कितनी दूर तक लाइट जा रही है इसकी और कितनी तेज़ है। तो यहाँ से एक बार चलना शुरू करते हैं, देखते हैं लाइट की कैसी परफॉर्मेंस है। ये एक तो साउंड इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का ना काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होता है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट भी बहुत तेज़ है, लेकिन अगर मैं इसको मोड़ के यहाँ से दिखाता हूँ तो ये देखिए लाइट, देखिए फ़र्क पता चला। बंद करता हूँ, बंद हो गई, ऑन बन गई, ऑन ऑफ ऑन। ये है लो बीम, ये है हाई बीम, लो बीम हाई बीम, लो बीम हाई बीम। तो लाइट में भी जो है कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि लाइट इसकी हाई पावर है, आपको कुछ एक्सटर्नल लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसको ये जो साउंड है इसका, ये कुछ इस टाइप का होने वाला है।